अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2.30 स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर बोले तो अभी जो इससे पहले डिराइव किया, तो फॉर्मूले कौन से चिपकेंगे इसमें, वो जो आपने डिराइव करके निकाला स्पेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। ए स्पेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस, इनर रेडियस कितना दिया है अंदर वाले स्फीयर का 12 सेंटीमीटर, एंड एन आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। समझ गए ना क्या क्या है, R1 कितना दिया है 13 और R2 कितना दिया है 12, ठीक है। द आउटर स्फीयर इज अर्थन अर्थ एंड द इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बाहर वाले स्फीयर को क्या करते हैं अर्थिंग दे देते हैं और अंदर वाले में चार्ज देते हैं। कितना चार्ज दिया भाई अंदर वाले को, 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 32, ठीक है। तो पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं ना। तो ये है आउटर वाला शेल, ये है इनर वाला शेल, थोड़ा बड़ा, दिस इज आउटर शेल एंड दिस इज इनर शेल। कंसेंट्रिक स्फीयर है, कंसेंट्रिक शेल है मान लीजिए, ठीक है ना। बाहर वाला रेडियस मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज आर वन 13 सेंटीमीटर, और अंदर वाला रेडियस कितना आर टू 12 सेंटीमीटर, है ना, हो गया। ये बाहर वाले को अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। हम हालांकि पोटेंशियल से कोई लेने देने नहीं, फॉर्मूला हमारे पास है। और अंदर वाले को हमने चार्ज दिया ये, तो मैं ये प्लस वगैरह अब नहीं लगा रहा, ये अब आप समझ रहे हैं। इसको सीधी सी बात, हमने चार्ज दिया कितना 2.5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, ठीक है ना। कितना चार्ज दिया 2.5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, ये अभी तक का हमारा सिचुएशन कहता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा एक चीज़ छोड़े दे रहे हैं, ये जो स्पेस है दोनों स्पीयर के बीच में, वहाँ हमने क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 32। तो इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे रहे हैं लिक्विड, ठीक है। और इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बोलिए 32। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस लिक्विड मीडियम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है अभी तक का। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो याद करिए, अगर हम किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, के टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसका कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा, एयर वाले के रेस्पेक्ट में के टाइम इंक्रीज। जब एयर होता है तो कैपेसिटेंस कितना होता है बोलिए, एयर होता है तो कैपेसिटेंस कितना, हाँ 4πε0R1R2/R1-R2, ये है ना, वो नहीं बताना ना पैरेलल प्लेट वाला, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला लगेगा, और जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम इंक्रीज हो गया। अब ये बना हमारा नया कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज, और के की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू पुट करते हैं, सारी चीज़ें हमको अवेलेबल हैं। के कितना है 32, दिस इज, ये देखिए ना 4πε0 की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻¹, तो 4πε0 की वैल्यू 1/, हाँ सो 1/ कितना 9×10⁻¹, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। इसकी वैल्यू पुट कर दिए, R1 R2 कितना दिया है, R1 बोलिए, R1 13 और R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, तो दोनों के सेंटीमीटर को हमने क्या लिख दिया 10⁻¹, समझ गए ना कहाँ से आया, ठीक है। नीचे कितना है
R1 माइनस R2 कितना 13 माइनस 12 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोले तो 10^-2 मीटर, ये खत्म कहानी, पुट हो गया। तो ये क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस, पहला कैलकुलेशन जो हमसे पूछा जा रहा था, कैपेसिटेंस। और ये हमारा इसका आंसर आएगा 5.5 × 10^-9, अप्रॉक्स मैं लिख रहा हूँ ना, 5.5 × 10^-9 फेराड, नैनो फेराड में आ रहा है ना, फेराड, ठीक है, ये हो गया, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा और आगे वैल्यू जाएगा 5.5, और ये जाएगा 5.547, तो मैं 5.5 लिख रहा हूँ, ठीक है, हो गया। दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, क्यों भाई आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्यों नहीं पूछ रहा है, कितना हो जा रहा है, जीरो। पहले भी हमने निकाल के दिखा दिया आपको, कैलकुलेट करके दिखाया इसके डेरिवेशन में कैसे जीरो आया, इसलिए इनर का पूछ रहे हैं। इनर वाले के लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है ना, कैसे निकाल, देखिए इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है, इतना, बाहर का पोटेंशियल कितना, जीरो, अंदर का पोटेंशियल कुछ होगा, तो पोटेंशियल माइनस जीरो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल बोलिए इनर वाले का या पूरे सिस्टम के लिए क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका पोटेंशियल पता है जीरो है और इसका कुछ ना कुछ आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और सिर्फ इनर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द इनर पार्ट, समझे ना। तो देखिए पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना, इतना, पूरे सिस्टम में चार्ज कितना, इतना, तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ इनर दोनों तो एक ही चीज़ आने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या चीज़ है, पोटेंशियल माइनस जीरो, और पोटेंशियल क्या चीज़ है, वही, तो आंसर तो वही आएगा कुल मिला जुला के। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश, जो भी आया था, क्यू कितना था 2.5 × 10^-6 कूलम, और सी डैश कितना निकाला 5.5 × 10^-9 फिराड, ठीक है, यहाँ से हमको पोटेंशियल मिल जाएगा, और ये पोटेंशियल हमारा आ रहा है 450 वोल्ट, कितना 450, सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं ना, डेसिमल लगा के थोड़ा बहुत और आ सकता है, ठीक है, 450 वोल्ट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, समझे ना, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इतना, तो इस कैपेसिटेंस को अब हमको कंपेयर करना है किसके साथ, उस स्फीयर के साथ जिसका रेडियस कितना है 12, यानी इसको अगर मैं अलग कर लूँ, ये कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है 12, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटेंस के साथ इस सिस्टम के कैपेसिटेंस को कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है ना, एक्सप्लेन वाई द लेटर इज मच स्मॉलर, ठीक है। तो मेरे पास सिस्टम का कैपेसिटेंस तो है, मैं किसका कैपेसिटेंस निकाल लूँगा, इनर स्पीयर का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, हाँ, कितना होगा बोलिए, इनर कैपेसिटेंस, क्या फॉर्मूला है इनर कैपेसिटेंस का, बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है बोलिए जल्दी से, हाँ मैंने पढ़ाते समय ये बात ज़रूर कही थी कि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सब याद रहेगा, ये भूल जाएंगे, याद आया मैंने कहीं कहा था ये, कि हम लोग बहुत आगे आगे की चीज़ें बना लेते हैं लेकिन लास्ट में यही चीज़ भूल जाते हैं जिससे सब बन रहे हैं। ये एक सिंपल कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और इस पर कुछ चार्ज होगा ये 2.5 माइक्रो कूलम का, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जिससे सब बने हैं। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है जो पैरेलल प्लेट नहीं है? 4πε0। हाँ, याद आया, इसके लिए मैंने कहा था, ये याद है आपको कि आगे चल के हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे तो हमको वो याद रहेंगे, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये भी कोई चीज़ है ना, ये हम भूल गए, जबकि सब इसी से बने हैं। तो एक कंडक्टर का कैपेसिटर कैसे निकलता है? इससे 4πε0 की वैल्यू कितनी? 1/9×10⁻⁹ −9 + 9 कितना था? है प्लस नाइन है ना। हाँ, और आर कितना दिया हुआ है? ये लो 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1.33×10⁻¹। दिस इज 1.33×10⁻¹ और ये आएगा फेराड में, ठीक है। ये क्या चीज़ आया, किसका कैपेसिटेंस निकला? इनर वाले का। इसको किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? पूरे सिस्टम के, है ना। तो आप चाहे कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये या ये डिवाइडेड बाय ये, जैसा करना है, तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी डिवाइडेड बाय सी डैश, तो वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 416। ये डिवाइडेड बाय ये, सी डिवाइडेड बाय सी डैश, और नहीं भी करेंगे मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सी डिवाइडेड बाय सी डैश, सी की वैल्यू है 1.33×10⁻¹ डिवाइडेड बाय सी डैश कितना था? 5.5×10⁻¹। ये कितना आता है? 416 आएगा। तो ये सी डैश कहाँ चला गया? उधर चला जाएगा, है ना। यानी क्या, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, ये छोटी ना, इसको उल्टा लिखना था मुझे ना, सी डैश अपॉन सी करना था, ये उल्टा हो गया। ये छोटा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है, तो फिर ये डेसिमल में क्यों नहीं आया, है ना। इसको उल्टा लिख लेते, चलिए ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, सी डैश, हम तो सी डैश पता करना है ना कि इससे कितना बड़ा आ रहा है, तो सी डैश अपॉन सी करेंगे तो आएगा 416। वो आने दीजिए, छोड़िए इसको, इधर देखिए 416 गुना बढ़ जाएगा, देखिए ना। अब इधर देखिए, इसका रेंज देखिए 10⁻⁻, और इसका रेंज देखिए 10⁻⁻¹। कौन बड़ा है, −9 बड़ा है कि −11? −9 बड़ा है। कितने जीरो लगेंगे, डिफरेंस कितने जीरो का है? 3 जीरो का। 1000 गुना नॉर्मल एक कंडक्टर से स्फेरिकल कंडक्टर, नॉर्मल एक कंडक्टर से स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितने गुना बड़ा होता है, ऑर्डर बताइए, कितने गुना? 1000 गुना। समझ में आया, कितने गुना? ऊपर से उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, कैपेसिटेंस और बढ़ गया, इसीलिए बढ़ गया, 1000 गुना हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये कंपेयर करके हमको बताना है। आइदर आप इसको सी डैश अपॉन सी करके निकालेंगे, 416 आ जाएगा, 416 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू एडजस्ट करके 416 आएगा, आने दीजिए, छोड़ दीजिए। हम खाली रेंज बता सकते हैं कि एक नॉर्मल कंडक्टर से स्फेरिकल कंडक्टर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है, उसका कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ कितने गुना दिख रहा है आपको ऑर्डर में? 1000 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी नॉर्मल कंडक्टर से। समझ में आए, ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक आप रेंज लिख के छोड़ सकते हैं, हो गया। क्यों भाई, वाई, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा हम कारण भी डिस्कस करेंगे, उसको लिखेंगे, क्यों 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 इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इससे 1000 गुना बड़ा क्यों है, वाई बता सकते हैं? इसलिए बड़ा है, देखिए अगर यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक नहीं भी होता तो भी इससे तो इसका कैपेसिटेंस बड़ा ही आता ना, आता, क्यों आता? इसलिए आता क्योंकि ये प्लस चार्ज है, क्या है, यहाँ पर कौन से चार्जेस हैं, सब के सब अंदर वाले स्पीयर में प्लस चार्ज, तो ये किसको इंड्यूस कर रहे हैं बाहर में,
माइनस, किसको इंड्यूस कर रहे हैं, माइनस। और आपने पढ़ा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक प्लेट पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, चार्ज दे रहा हूँ, उसका पोटेंशियल फुल हो गया, अब उसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ मैं इसमें और चार्ज स्टोर कर लूँ, कैसे स्टोर करेंगे, याद आया, कैसे स्टोर करेंगे और ज़्यादा चार्ज। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं अगर इसका पोटेंशियल कम हो गया तो हम और चार्ज भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल को कम करने के लिए एक नेगेटिव प्लेट लेकर के आ जाते हैं, याद आया। नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, वो नेट पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम, समझे। तो किसी भी एक चार्ज प्लेट के नियर अबाउट क्या लेकर के आ जाइए, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लेकर के आ जाइए, वो क्या करेगा, इसके कैपेसिटर को इसके पोटेंशियल को कम कर देगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल एक बार फुल हो गया तो घटेगा नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल फुल हो गया तो ये बाहर से हम नेगेटिव चार्ज लेकर के आ गए, ये नेगेटिव चार्ज इसके अबाउट पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम, तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये कारण होता है कि इसका कैपेसिटेंस क्यों कम होता है, इसका क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्या है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, समझे कि नहीं समझे। इस चीज को आप लिख लीजिए अपने शब्दों में, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, सी डैश इज मोर देन सी, सी मैं बोल रहा हूँ ऑर्डिनरी कैपेसिटेंस को, और सी डैश मैं बोल रहा हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को। सी डैश इज मोर देन सी बिकॉज स्फेरिकल कैपेसिटर हैज वन अर्थ कंडक्टर, विच रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ इनर सेल सो दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, समझे कि नहीं समझे। या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए अर्थ कंडक्टर पुट नियर एनी चार्ज कंडक्टर, ए अर्थ कंडक्टर पुट नियर एनी चार्ज कंडक्टर सो दैट इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। किसी भी कंडक्टर के नज़दीक में एक अर्थ कंडक्टर लेकर के जाए जिसको अर्थ किया गया है, जिसको अर्थ किया गया, अर्थ करने का मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये किसको बुला लेंगे, नीचे से नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही सामने आएगा इसका पोटेंशियल कम और कैपेसिटी ज़्यादा। तो किसी भी कंडक्टर के सामने नज़दीक में एक अर्थ कंडक्टर ला करके रखिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।